हेलो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इंस्टॉल बैग के बारे में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टॉल बैग के बारे में, राइट। एंड मार्केट में बहुत सारे सैडल बैग आते हैं, कुछ आते हैं हार्ड शेल वाले एंड कुछ आते हैं सॉफ्ट शेल वाले। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं इन सैडल बैग के बारे में कि इनके क्या खूबियाँ हैं, कितनी कैपेसिटी है, कितना प्राइस है, इन सब के बारे में, मैंने ये क्यों खरीदे, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज हम बात करने वाले इन सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज उससे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक की, राइट। अगर मैं दिखाऊं तो इनकी लुक कुछ ऐसी आती है चारों तरफ से, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। बेसिकली ये हार्ड शेल के बैग है, राइट, क्योंकि इनका जो शेल है, जिनका कवर है, ये काफ़ी हार्ड है, राइट। अब इनके साथ बेनिफिट क्या होता है कि आप इनको अपनी बाइक में लगा सकते हो बिना स्टाइल स्टे के। बिना जो सॉफ्ट बैग आते हैं, बेसिकली जो बैग जैसे होते हैं, उनके साथ आप क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उन्हें बिना सैडल स्टे के लगाते हो तो वो आपके टायर में जाकर लगते हैं, राइट, एंड उससे वो ख़राब होते हैं। लेकिन इनके साथ जो अच्छी चीज़ है वो है कि आप इन्हें बिना सैडल स्टे के भी लगा सकते हो। एंड आप देख सकते हो कि इस बाइक पे ये कैसा लग रहा है, आई थिंक बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस बैग की क्वालिटी के बारे में, राइट। वेल, अगर मैं बात करूँ इस बैग के फैब्रिक के बारे में तो उसमें कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक यूज़ हुआ है। सेकेंड चीज़, इसकी कैपेसिटी जो है वो है 70 लीटर की, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक चेन है जिसे खोलकर आप इस बैग को एक्सपेंड कर सकते हो, राइट, एंड इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, राइट। दोनों साइड यही सीन है। इससे बहुत सारा फायदा होता है क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा लगेज होता है, आप ज़्यादा चीज़ें कैरी कर सकते हो। एंड दोस्तों, अगर फ्रंट से बात कर लेते हो, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक बोतल होल्डर जो कि दोनों साइड से है, राइट, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसके भी। यहाँ पर आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर, पीछे भी आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर आपको मिल जाती है एक चेन, इसके अंदर दो कंपार्टमेंट है, एंड इसमें भी आप अपना सामान आराम से रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी बहुत है। एंड दोस्तों, इसी के साथ आपको मिलता है इसका रेन कवर, राइट, दोनों साइड का, एंड उसी के साथ आपको मिल जाता है ये बहुत सारे हुक, जिसकी हेल्प से आप इसको अपने लेग गार्ड या अपने अपने साड़ी गार्ड के साथ टाइट कर सकते हो, जिससे कि हाई स्पीड में ये हिले नहीं। तो दोस्तों, अब मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा लगता है, राइट। अगर मैं इसकी चेन की क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी चेन है YK कंपनी की, जो कि एक जाना माना ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है चेन की क्वालिटी में। तो चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, राइट। अगर आप इसको यहाँ से खोलते हैं तो आपको अंदर दिख जाता है एक बड़ा सा कंपार्टमेंट, राइट। आप आराम से इसमें सामान रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दोस्तों, अगर ऊपर से बात कर ले तो इसके साथ आपको मिलते हैं काफ़ी सारे स्टेप्स, जिनकी हेल्प से आप इसको अपनी बाइक की सीट पर टाई कर सकते हो, राइट। इसके साथ आपको मिलता है वेलक्रो, जो आप इजीली आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, राइट। एंड आप देख सकते हो इस वेलक्रो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर दो हैंडल बार, राइट, जिनकी क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो दोस्तों, जब आप बैग लेके घूमते हो, उसके साथ क्या होता है, वो आपको बार बार ही बंजी रोप से टाई करने पड़ते हैं, एंड देखना पड़ता है कि वो कहीं इधर से उधर ना जाए। लेकिन इनके साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इनको कहीं टाई नहीं करना, आराम से उठाना है एंड आराम से प्लेस कर देना अपनी बाइक पे, राइट। मेरी बाइक पे तो बैक रेस्ट है, अगर आपकी बाइक पे बैक रेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हुक दे रखे हैं, एंड इसके साथ आपको बहुत सारी स्टेप मिल रखी है, आप उससे इसको आराम से टाई कर सकते हो, ये बैग कहीं भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो का एक पार्ट जिसमें हमने बात करी इस बैग की क्वालिटी के बारे में, इस बैग के फीचर के बारे में, कैपेसिटी के बारे में। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि मैं इस बाइक को अपने मसूरी राइड पर लेके गया था अभी रिसेंटली। मैंने व्लॉग नहीं करा था, लेकिन वीडियो में आप सॉरी फोटो में आपको स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा, राइट। तो अगर मैं बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। हाँ, ये बहुत यूज़फुल है, बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन इसके साथ मुझे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली। वो क्या है बताता हूँ मैं आपको। पहले, प्रॉब्लम्स इतनी भी बड़ी नहीं है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, राइट, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है, आई थिंक आपके काफ़ी सारे पैसे बचा देता है। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो ये आपको पड़ता है 3,000 से लेकर 3,200 तक। डिपेंड करता है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल कितनी अच्छी है, अगर आप इसको बार्गेन कर ले तो आप इसको कम प्राइस में ही पा सकते हो। क्योंकि अगर सेम बैग अगर आप किसी ब्रांड में लेने जाते हो, दूसरे ब्रांड में लेने जाते हो, तो आपको काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं, वहीं ये आपको काफ़ी सस्ता मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में जो मुझे फेस हुई, एंड इट माइट नॉट बी द प्रॉब्लम फॉर यू, बट वट आई फेल्ट एंड जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा, आई थिंक आई शुड शेयर विद यू सो दैट यू कैन मेक अ बेटर चॉइस। तो बात कर लेते हैं उनके बारे में। दोस्तों, फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस करी वो है इसके हुक्स, राइट। अब ये हुक्स की क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो स्टेप है यहाँ से, ये हुक से बार बार निकल जा रही थी। अभी तो मैंने इसको स्टिच करा दिया उसके साथ डायरेक्टली, लेकिन पहले ये बीच बीच में खुल जा रही थी, तो इससे हुक अलग हो जाता है, यानी स्टेप अलग हो जाता है, यह है पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसके जॉइंट्स हैं, राइट, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी धागे निकल रहे हैं, तो ये इतने स्टेबल नहीं है। अब मुझे नहीं पता, बेबी सामान ज़्यादा था, लेकिन मुझे इतने स्टेबल नहीं लगे, क्योंकि जो इसके जॉइंट्स हैं, यह यहाँ से धागे बाहर आने लग गए थे,
तो मैंने अभी फिलहाल क्या करा है, मैंने अभी इन पे स्टिचिंग करा दी है जिससे ये और मजबूत हो गया। दोस्तों आप देख सकते हो तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैंने अभी इसकी स्टिचिंग करवाई है। क्यों? क्योंकि ये बैग यहाँ से फट गया था बीच में ही। हाँ कुछ बाहर नहीं आया सामान वगैरह, लेकिन ये यहाँ से फट गया था। अब आई डोंट नो, मे बी सामान ज़्यादा था या बैग की क्वालिटी या स्टिचिंग ही ऐसी है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मेरा काम था आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बताना। दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू इन बैग्स के बारे में। दोस्तों मार्केट में इस प्राइस पॉइंट के आसपास बहुत सारे बैग आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के बैग आते हैं, तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। मेरा काम था आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना इन बैग के बारे में, जो मैंने दिया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।